तो आज जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियोस लाया हूं जो कि एग्जामिनेशन में बना के आए हैं, और चेकते हैं कि उनका कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है, कितना ऑब्जेक्टिव गलत गया है। इसको 100% मैंने सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो वो है प्लाज्मोडियम। सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत है बायोगैस। सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4। अगर आपका कोई दूसरा सेट है और क्वेश्चन इधर उधर है तो, और वीडियो तेज है, तो वीडियो को रोक के आप मिला सकते हैं सारे। चलिए तो शुरू देखते हैं नेक्स्ट। 4 का जो आंसर है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या, वो है C4। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कवक में पोषण की विधि जो है मृतजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, CH4 और C2H6 जो एल्केन है, और एल्केन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो असंतृप्त है C2H4, जिसका मतलब होता है इथीन। चलिए नेक्स्ट 7। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो वो है उत्तल लेंस। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो अवतल लेंस का। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मिनट, हाँ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो यहाँ है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट, यूनिट को वोल्ट यूनिट भी बोला जाता है या किलोवाट घंटा बोला जाता है, 10 का C। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सिंगल बाउंड होता है। हाइड्रोकार्बन में भी सिंगल बाउंड होता है, नॉर्मल H2 में H सिंगल बाउंड H। 13, कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास को खाती है बकरी, बकरी को खाता है मानव। 13 का B, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो जो 3 देख रहे हैं आप, A, B और C, वो सारे के सारे एल्केन हैं, जबकि C2H4 जो इथीन है, तो ये ज़्यादा क्रियाशील होगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। किस दर्पण का उपयोग मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में? तो उत्तल दर्पण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास जो अपचयन कहलाती है, रिडक्शन। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पित्तरस अग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? तो चमड़ी का रंग वंशागत नहीं है, बाकी सारे वंशागत हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 समूह हैं। उसके बाद ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या 6, C6H12, मतलब 22 का B। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। किस दर्पण का तरंग धैर्य सबसे बड़ा है? तो सॉरी, किस वर्ण का तरंग धैर्य सबसे बड़ा है? तो वो है लाल। थोड़ा सा जल्दी वीडियो बनाने में बर्ड इधर उधर हो जाते हैं। चलिए तो इसमें जो था वो था 24 तक। अब हम लोग 25 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी उंगली संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनोइक अम्ल। कोई भी इथेनोइक अम्ल को, तो हाँ, तो ये जो देख रहे हैं इथेनॉल और प्रोपेनॉल और इथेनोइक अम्ल, ये तीनों के तीनों ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, खाद डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए टिन लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग संवेदी ग्राही नहीं है, ये केवल संवेदना के बारे में सोचता है, बाकी कान, आँख और नाक सेंस ऑर्गन है, संवेदी ग्राही। समांतर क्रम में प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। समजात अंग के सभी समजात अंग के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 37। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन दर्शाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर स्टेमेन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर हो। हमारे वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, जरूर से जरूर कर दे ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, और मैं इसी तरह से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ और एग्जामिनेशन तक आप लोग
लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।